आपका लैग्स के यानी कि रेक्टर रेक्टस फेमरस के बारे में मैं बताऊंगा। ये वाला मसल जो है कॉर्डिस आपका रेक्टर रेक्टस फेमरस कहलाता है। मैंने खुद का मुंह फंस गया था इसको बोलते हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहैब हसन यानी कि तंदुरुस्त वाला ज़ुहैब हसन आपके हाजिर खिदमत। और आज मैं एलिमेंट फिटनेस पर हूँ जो कि कराची में जेल चोरेंगी, सेंट्रल जेल चोरेंगी जो है वहाँ पर बेहतरीन जिम है। और आज इन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनके साथ शूट करें, तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने लगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ये आपके पट्टे यानी कि लैग्स। लैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक ऐसा मसल है कॉर्डिसेप्स जिसको कहते हैं आप, ये क्वाड्स कहलाते हैं। मसला ये होता है कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऊपर से ह्यूज होते हैं या फिटनेस फ्रीक ऊपर से ह्यूज होते हैं, लेकिन दे डोंट हैव गुड बेल्टेड बेल्ट मसल ऑफ देयर लैग्स। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, आपको प्लेसमेंट बताऊंगा। बेसिकली होता है क्या है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन जब नहीं होता किसी भी वर्कआउट को करते हुए, तो होता क्या है कि आप वो डिजायर रिजल्ट नहीं ले पाते हो। ये एक्सरसाइज नॉट ओनली फॉर द बॉडी बिल्डर्स, ऑल्सो फॉर द पर्सन दोज आर लिविंग द नॉर्मल लाइफ, लेकिन जिम जाते हैं अपना को फिट रखते हैं, उनके लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा और उनको ये तरीका ही बताऊंगा कि अपने मसल को कैसे हिट करना है, कौन कौन से पार्ट को हिट करना है। तो चले देखते हैं। अच्छा जी, किसी भी वर्कआउट को करने से पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने मसल टेंडन एंडन जितने भी हैं यानी कि पट्टों को गर्म कर लेना होता है। रीजन बिहाइंड कि वो जब ठंडे होते हैं तो इंजरी के चांसेस होते हैं, तो बेटर है कि अपने आप को सबसे पहले आपने वार्म अप करना है, हाई हील्स कर लें, इस तरह का कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली जब करने जा रहे थे ये मैंने बताया कि वार्म अप तो आपने पहले करना है, लेकिन यानी कि जंप्स कर ली, थोड़ा स्ट्रेचेस कर लिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही आप लैग का वर्कआउट करने जाते हो तो व्हाट यू हैव टू डू मैं आपको तो बताऊंगा। एक पोजीशन को देख लीजिएगा, थोड़ा सा यार स्टार्ट अप करता रहेगा। एनीवे नो इशू, इसमें आपने कंसंट्रेट करना है, अपने लैग को प्रॉपर रखना है, किसी चीज़ से सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपका लैग्स के यानी कि रेक्टस फेमरस के बारे में मैं बताऊंगा, ये वाला मसल जो है कॉर्डिस आपका रेक्टस फेमरस के बारे में, मैंने खुद का मुंह फंस गया था इसको बोलते हुए। पहले पहले पट्टे को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखें जब ये टाइट होता है तो आपकी जो है एड़ियाँ भी टूटने लगती हैं। एंड मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोग जब सिटअप्स लगाते हैं तो उनके नीज उनके टोज से आगे चले जाते हैं। दिस शुड बी अलाइन, दिस शुड बी अलाइन। शुरू में नहीं होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह करना है। वन, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी, ओके फाइन। वन टू, नाउ यू कैन सी। नो यू डोंट, यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। इससे क्या होगा, यूजुअली जो लोग शुरू में करते हैं तो ये मसल टाइट होता है, उनकी एड़ियां टूटने लगती है। लेकिन दोबारा देख लीजिए, नाउ सी, ओके थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं किसी भी सपोर्ट से, आगे ना जाए ये, इसको क्रॉस ना करें। और यही स्ट्रैटेजी आपने स्क्वाट्स लगाते हुए करनी है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ, बैक को स्ट्रेट रखना है, सिंपल सेट अप फोर एंड देन कम। अच्छा जी, जैसे कि हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आज हम लैग का वर्कआउट बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आपने जो है क्या कहते हैं पहले बता दी हूँ वो ये करना है कि आपने जो है अपने आप को वार्म अप कर लेना है, जंपिंग जैक्स कर लेने हैं, हाई हील्स कर लेने हैं, जंपिंग जैक्स ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैटेकोलामिन को रिलीज करना होता है, आपने जो एड्रेनल ग्लैंड से आते हैं एंड दैट मेक्स यू प्रिपेयर, आपको तैयार कर देते हैं कि जी आपने वर्कआउट करना है। अभी आपने सिर्फ इस बात को नोटिस करना है कि स्पेसिफिकली मैं क्वाड्रिसेप्स के मसल को हिट करने चाह रहा हूँ, तो करना क्या है कि जी मैंने सबसे पहले इसको वार्म अप कर लेना है, इस वाले पट्टे को। उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने और उसकी रीजन भी बताऊंगा क्या होता है। क्या मोस्टली लोग जब सिटअप करने लगते हैं व्हाट दे डू, आप चीज से सपोर्ट भी ले सकते हो, सपोर्ट लेके दिखा देता हूँ, व्हाट दे डू, दे डू लाइक दिस, तो क्या होता है उनका नी भी उठ जाता है और नी भी जो है टो से आगे जा रहा होता है लाइक दिस। इससे आपको एक्सेसिव लोड पड़ता है नी पे, आपका ये जो एरिया होता है एक्टिव इसके ऊपर भी जो है इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू, शुरू में नहीं होगा क्योंकि मसल टाइट होता है आपका, रेक्टस फेमरस कहलाता है, मुश्किल मसल है, इसमें ना जाइएगा। अब देख लीजिए करना क्या है, आपने स्ट्रेट खड़े होना है, एक सपोर्ट ले लेनी है एंड देन गो लाइक दिस, टो से आगे नीज नहीं जाएंगे, अगर टेढ़ा हो जाओ टेढ़ा होकर दिखाता हूँ, टो से आगे नीज नहीं जाएंगे। वन टू थ्री फोर लाइक दिस, एग्जैक्टली देखिए मेरे नीज कितनी जगह पर है,
मेरा टो भी जो है नी भी आगे नहीं जा रहा एंड आई कैन स्टे लाइक दिस। तो ये आपने ऐसे ऐसे कम से कम दो सेट कर लेने, तीन सेट कर लेने 15-15 रेपिटेशन के, सो दैट आपका मसल प्रिपेयर हो जाएगा एंड यू विल बी बिल्डिंग योर स्ट्रांग मसल। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ वर्कआउट के स्टार्ट से पहले, मैंने आपको आज की वीडियो में जो मैंने आपको वार्म अप दिखाया, दैट इज द वार्म अप। वार्म अप आपने कर लिया, आपके मसल जो है गर्म हो गए। अब आपने क्या करना है, ये मैं लेग प्रेस पे स्पेसिफिकली जो है इसका टाइटल में भी डाल दूंगा कि दिस वीडियो इज फॉर द लेग प्रेस। और इसमें मैं क्या डिस्कस करने लगा हूँ कि जी लोगों को ये पता नहीं होता मोस्टली कि जी उन्होंने पाँव कहाँ रखने, यहाँ रखने, यहाँ रखने, यहाँ रखने, ऐसे रखने, वी रखने, कौन से रखने। तो होता क्या है जनाब कि जब तक आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता, माइंड के साथ जब सिंक नहीं होता आपका मसल, तो वो आपको तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं करता। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि जी फोर ऑल कॉर्ड जिनके पूरे फ्रंट लैग को अगर आपने हिट करना है तो आपकी ग्रिप क्या होगी। आपने ग्रिप देखी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मुझे प्लीज यहाँ थोड़ा सा दिखाइएगा तो बैठ देखिए हर एक बात का समझ में आ जाएगा। आपने थोड़ा क्लोज रखना है, नीचे रखना है एंड यू विल बी फीलिंग सम लोड ऑन योर ऑन फ्रंट कॉर्ड। फ्रंट कॉर्ड के ऊपर आने के बाद एंड आपने आराम से पूरा चलाना है, एड़ी नहीं उठेगी आपकी, रेंज मोशन को पूरा करना है। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लोड आपके फ्रंट स्क्वाट पे, जिसमें क्वाड्रिसेप का पूरा हर एरिया हिट हो रहा है। कंपाउंड मसल है ये। अपनी कमर को बिल्कुल जोड़ के रखना है, हिप को सपोर्ट है उसके साथ रखना है, सपोर्ट को यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। गो फॉर द थ्री सेट्स, व्हाटएवर यू वांट टू गो, 3-4 सेट्स विद 12 रेपिटेशन, बट ऑल द वे रिमेंबर दिस इज गोना बी योर प्लेसमेंट होगी आपके लेग्स की। तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो याद रखना है आपने, जब आप पूरे के पूरे कॉर्ड्स को हिट करने जा रहे हो तो। ओके डन। अच्छा जी, मैंने बताया कि ओवरऑल कॉर्ड्स को आपने हिट कर लिया, अब सेपरेट एरिया को हिट करना चाहते हो। मैं आज वीडियो मेरा है ही इसलिए कि जी डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ लेग्स के अगेंस्ट आपको पता लग सके कौन सा मसल आपका हिट हो रहा है। तो अब मैं जी आउटर कॉर्ड्स, ये वाला एरिया जो होता है आउटर कॉर्ड्स, इसको मैं हिट करने जा रहा हूँ। उसके लिए प्लेसमेंट आप देख लें क्या करेंगे। प्लेसमेंट आपकी क्लोज होगी, प्लीज़ इसको दिखा दीजिएगा यहाँ से लाके। प्लेसमेंट आपकी क्लोज होगी पाँवों की, यू विल फील लोड, जैसे ही आप उस पर वजन मारेंगे तो यू विल बी हैविंग लोड। क्लोज होगी अगेन, आपकी एड़ी नहीं उठेगी, स्मूथ मूवमेंट करनी है, रेंज ऑफ मोशन को पूरा करना है। तो यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं and this is the way you can build your bad cords. Slow movement karenge, have the feeling here, have muscle connection, muscle and mind connection aapne rakhna hai, mind muscle aapne rakhna hai, to movement karna hai 3-4 sets jo aapne lagane hain, aapke schedule ka part hai ye jo video hai specific, again kahunga this is for the placement of the leg ऑन लेग प्रेस मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, तो इसको याद रखिए। थैंक यू। अच्छा जी, अभी आप जो है आउटर कॉर्ड्स को यार आप कर चुके हुए हो, अब इनर कॉर्ड को जो है ना आपने हिट करना है। इनर कॉर्ड के लिए आपकी प्लेसमेंट होगी चौड़ी, मैंने पहले बताई थी ऐसे, अब ये होगी चौड़ी वो इनर कॉर्ड के लिए, अब ये है इनर कॉर्ड के लिए, वो आउटर कॉर्ड के लिए थी। ठीक है, चौड़ी प्लेसमेंट होगी आपके पैरों की, बराबर से करना है होल्ड। जैसे ही आप पांव रखेंगे आपको यहाँ पे लोड फील होगा इनर कॉर्ड्स के ऊपर, टीयर्स भी कहलाते हैं ये। ठीक है, वही आपके 3-4 सेट की स्ट्रैटेजी, स्मूथली नीचे आएंगे ना, आपको सारा लोड यहाँ पे फील होगा, लोड यहाँ ट्रांसफ़र होगा। प्रॉपर ग्रिप करें, रेंज मोशन को पूरा करें, 12-15 रेपिटेशंस एंड 4 सेट्स, वो आपका जो भी स्केड्यूल चल रहा है आप उसको फॉलो करेंगे। ये वीडियो इज़ अबाउट द प्लेसमेंट एंड माइंड मसल कनेक्शन। आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि यू आर वर्किंग फॉर द इनर कॉर्ड्स एंड इट विल रिस्पॉन्ड यू अकॉर्डिंगली। तो दैट्स इट, आई होप के अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। अच्छा जी, इनर हो गया, आउटर हो गया, ओवरऑल हो गया। अब आपके बैक के मसल, हैमस्ट्रिंग जिसको कहते हैं, ग्लूट्स यानी कि हिप्स का लोअर पार्ट और हिप्स के कुछ और पार्ट्स अगर अलॉन्ग योर हैमस्ट्रिंग, तो आपकी प्लेसमेंट क्या होगी जी लेग्स की, जी ये ऊपर होगी सो दैट यू कैन हैव, मैंने कहा जैसे ही आप प्लेसमेंट करेंगे आपको खुद फील आ जाएगी
जैसे ही आप प्लेसमेंट करके टाइट करेंगे आपको फील आ जाएगी कि आपका लोड कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा क्लोज रखेंगे, ऊपर रखेंगे एंड वही आपकी स्ट्रैटेजी, अपने आपको पूरा अपने करना है, नीचे तक आना है, अपने पांवों को एडजस्ट कर लें प्रॉपरली, ऊपर रखना है वन, सो दैट यू कैन हैव कंप्लीट इम्पैक्ट ऑन योर हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स एज वेल। और आपका जो स्केजुअल है उसको आपने फॉलो करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रीज़न बिहाइंड कि आपका माइंड मसल कनेक्शन आपको पता लग जाएगा कि जी जब आपके माइंड का मसल के साथ कनेक्शन होता है, आप अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो कि जी मैं इस स्पेसिफिक मसल के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये आपको वहीं पे इम्पैक्ट देता है, वहीं पर जो है सिग्नल ज़्यादा जाते हैं, एलोंगेशन ऑफ फाइबर्स होती है एंड यू कैन हैव हाइपरट्रॉफी एंड प्रॉपर गेन। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आज का जो वर्कआउट था, या बल्कि वर्कआउट से ज़्यादा प्लेसमेंट थी जिसमें मैंने डिस्कस किया माइंड मसल कनेक्शन को आपके, तो आई होप की अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपका क्वेश्चन, सवाल कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मुझे पर्सनली आप ईमेल कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन के ऊपर ईमेल आ रहा होगा। लाइक शेयर तो डेफिनेटली बनता है, तो आई होप कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। स्टे तंदुरुस्त, अल्लाह हाफिज़।